वो क्या कर रहा है? रोबोट जोन्स। योगी कैस्टो की जो इस छोटे से कांच के बॉक्स में खुद को बिठाकर दुनिया का नया कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं, पर उससे पहले देखिए ये नया वीडियो गेम जिसने पूरे देश को चौंका दिया है, डॉट मैन। माइक कूपी ने उसके हिसाब से दुनिया के सबसे अच्छे डॉट मैन खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारे यहाँ 5 खिलाड़ी चुनौती देने को तैयार हैं। पेश है डॉट मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप। इंसान भी अजीब है, आपस में मुकाबला करके खुश रहते हैं, अजीब बात है ना डियर? बहुत अजीब, बहुत अजीब, बहुत अजीब। जानते हो, मैं किसी भी JUN 77 जितने ही काबिल हूँ, और तुम डियर किसी भी KC 213 की छुट्टी कर सकते हो। मॉम यूनिट, क्या मुझे किसी से बदला जा सकता है? नहीं बेटा रोबो, तुम अपनी किस्म के एक ही रोबो हो, सबसे अलग। तुम हमें मुकाबले के बारे में जानकारी दे सकते हो, इंसानों के साथ जाकर मुकाबला करो और हमें अपनी नेक राय दो। रोबो, आज तुम क्या करना चाहते हो? मुकाबला करना चाहता हूँ। पर किससे? दोस्तों, उसके पास देखो क्या है। वाह, ये क्या है? दोस्तों, पेश है वंडर क्यूब। वैसे देखा जाए तो इसके चारों तरफ एक ही रंग है, पर घुमाने के बाद सारे रंग इधर उधर हो गए। इसे फिर से पहले जैसा कर दो ना। हाँ, वंडर क्यूब की यही तो चुनौती है। ओह वाह, कितना मजेदार खेल है। वंडर क्यूब, वंडर क्यूब, वंडर क्यूब। और इसके बारे में क्या ख्याल है? वंडर क्यूब, ये बहुत आसान खेल है। ओह अच्छा, तो इसे ठीक करके दिखाओ। नहीं, मेरा काम इंसानी मुकाबलों के बारे में जानना है। इस मामूली खिलौने पर मैं वक्त जाया नहीं करूँगा, और शायद ना ही कोई और वक्त जाया करना चाहेगा। देखो, एक तरफ से हो गया, मैंने कर दिखाया। सीधा हो जा, सीधा हो जा। कैसे करूं? कोई बताओ कैसे करूं? कैसे करूं? कैसे करूं? वाह लड़के, वाह देखो। क्यूबी, तुम कितनी देर में ठीक कर सकते हो? मिच, कितनी देर में करूं वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि सही तरीके से करूं। बाह, कम अकल इंसानी ऐसे मामूली खिलौने से खेलते हैं। उप्स, ये मैंने क्या कह दिया? ओ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। ये लो रोबो, तुम करके दिखाओ। ठीक है शैनन, इसे ठीक कर देता हूँ, तुमने कहा इसलिए। लो, ठीक हो गया। क्या बात है, देखो दोस्तों, रोबो ने कितनी जल्दी क्यूब ठीक कर दिया। कितनी देर में? 4.0495। 4 सेकंड में? इतने कम समय में? बढ़िया। हेलो बच्चों, ये तुम लोगों के हाथ में क्या है? कुछ नहीं। ओ, कुछ नहीं। ओ प्लीज मिस्टर मैक, हमसे हमारे क्यूब मत छीनिए, ये हमारे खिलौने हैं। ओ, मैं तुम्हारे क्यूब नहीं छीनूंगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही क्यूब है। मैं तुम लोगों के लिए खुशखबरी लाया हूँ, इस शुक्रवार को स्कूल का सबसे तेज क्यूबर जानने के लिए मुकाबला होगा। जो जीतेगा वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेगा, जिसे दैट्स अमेजिंग शो में दिखाया जाएगा। बच्चों, दैट्स अमेजिंग शो? रोबो, तुम भी तो मुकाबला करना चाहते थे ना? हाँ, अच्छा मौका है, मैं मुकाबले में हिस्सा लेकर इंसानी मुकाबलों को भी जान जाऊंगा और शैनन को भी प्रभावित कर सकूंगा। मैं जरूर खेलूंगा। कितनी देर? 1:42। कम से कम दूसरे नंबर पर तो हो ना? मैं दूसरे नंबर पर नहीं बल्कि पहले नंबर पर रहना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, आओ। मुकाबले में रोबो को हराना मुश्किल है, वो बहुत तेज है। डेनी, ऐसी बात बताओ जो मैं नहीं जानता हूँ। हराने का एक तरीका है।
क्या तरीका है? बिल्कुल चीटिंग। वंडर क्यूब को कम वक्त में ठीक करना और ज्यादा मुश्किल हो सकता है अगर हम थोड़ी सी चालाकी से काम लें। जैसे कि अगर क्यूब में दो ही रंग लगाए जाए तो शायद उसे ठीक करना मुश्किल होगा रोबोट जोन्स के लिए भी। ओ डैनी, तुम कितने अकलमंद हो, तुम्हारा साथ मेरे लिए वाकई मुनाफे का है। हाँ सच में, चलो हम कल के मुकाबले की तैयारी करते हैं और देख लेना मुकाबला मैं ही जीतूंगा। हाँ और अब मिलिए हमारे प्रतियोगियों से, अपना अपना क्यूब लेकर आओ। जो सबसे पहले क्यूब ठीक करेगा वो मुकाबला जीत जाएगा। तैयार हो, शुरू करो। शाबाश रोबो। ये लो, हो गया। ओ, एक मिनट, बस हो जाएगा। क्या रोबो ठीक कर पाया? ये क्या हो रहा है? जल्दबाजी का फैसला, क्यूब को ठीक करो। प्रतियोगियों से गुजारिश है कि जब तक क्यूब ठीक ना हो जाए वो बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, समझे? हाँ, होना चाहिए था। तुम कर सकते हो रोबो, कोशिश करो। हाँ रोबो, देखो मेरा क्यूब लगभग तैयार हो चुका है। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन आज हम जीतेंगे। ठीक नहीं हो रहा है। मैं मदद करता हूँ रोबो। कौन कहता है कि धोखेबाजों की जीत नहीं होती? ये क्या रोबो, तुमने सब गड़बड़ कर दी। मुझे क्यूबी क्यों कहते हैं समझ में आ गया, पर अगर क्यूब ठीक नहीं कर पाया तब लोग मुझे क्या कहेंगे? क्यूबी बूबी, तुम एक हारे हुए खिलाड़ी हो। रोबो की खातिर और योगमैन को हराने की खातिर करना ही पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मदद करता हूँ क्यूबी, हम सबको मिलकर मुकाबला करना होगा। और देखो, दो अनाड़ी क्यूब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। शाबाश शाबाश क्यूबी, करते रहो। समझो ये क्यूब ठीक हो गया। बस हो गया शायद, नहीं बस हो गया। हेलो दोस्तों, ये कौन है रोबो? मैं हूँ क्यूबिक, जादुई क्यूब। तुम्हारी इस कोशिश ने मुझे जिंदगी दी है। वाह रोबो, तो चलो मेरे साथ क्यूब की दुनिया में, जहाँ सब रोबो जोन्स को चैंपियन मानते हैं। वाह क्या बात है, चलो रोबो। बचाओ रोबो। शैनन, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ रोबो। रोबो रोबो, मैंने आंखें ठीक कर दी। तुम इसका मुंह बाई तरफ घुमाओ। बाई तरफ क्यूब ठीक होगा? रोबो रोबो, बात करो। क्यूब ठीक करना है, क्यूब ठीक करना है। ये लो रोबो, ये क्यूब ठीक करो। ठीक कर दिखाया, टाइम टाइम हाँ। बताओ। हाँ, मेरी घड़ी के मुताबिक 4:29:52 में हुआ। बेचारा रोबो जोन्स इस क्यूब कॉम्पिटिशन में आखिरी स्थान पर है। वो आखिरी स्थान, हार गए आखिरी स्थान। हाँ योगमैन भाई बहुत पहले ही जीत चुके हैं। मैं तो बिल्कुल भूल गया था, हिस्सा लेने के बदले तुम्हें ये रिबन दिया जाता है। शाबाश मिस्टर जोन्स। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। सुनो रोबो, रोबो मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने तुम्हें कुछ काम सौंपा था।
मैं चाहती हूँ कि तुम मुकाबले के बारे में मुझे जानकारी दो। नामुमकिन, ये मुकाबले मशीनों के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। अच्छा, डेटा लॉग एंट्री है या नहीं? नहीं, प्लीज मॉम यूनिट, आप मुझे टीवी देखने दीजिए। बहुत अच्छे। और आज दैट्स अमेजिंग में पेश है रोबो रेसलर। इन दोनों मशीनों के बीच मुकाबला होगा। पर रोबो, ये मशीन कैसे मुकाबला कर रही है? कहना इसमें खतरा है। उससे पहले आइए मिलिए हमारे वंडर क्यूब के विजेताओं से, लेनी और डेनी योबन। मैं हूँ खिलाड़ी लेनी। कैसे हो दोस्तों? आज हम अपने सबसे प्यारे दोस्त रोबो जोन्स को हेलो कहना चाहते हैं। हारा हुआ अलाड़ी। सच कहा। जी में वायरस हो गया, मेरी जान निकल लगी। सिकनेस। सारे बच्चे सुने, फौरन जिम में पहुंचो और एहतियात के तौर पर इंजेक्शन लगवाओ। लाइन में तुम बीमार हो। हे, ये लो। ओ, ये क्या हुआ? क्या बात है नर्स न्यूकॉम? समझा, रोबो जोन्स, तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। बहादुर बच्चे की तरह इंजेक्शन लो। मुझे आपके इस बेकार इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। बेकार इंजेक्शन? क्या तुम जानते हो बीमारी के कीटाणु किसे कहते हैं? जी हाँ, कीटाणु। कीटाणु मतलब कीटाणु? गलत। कीटाणु वो होते हैं जो बीमारी लेकर घूमते हैं और स्वस्थ शरीर की फिराक में रहते हैं ताकि उनमें बीमारियां फैला सकें। लेकिन फल खाने से और कसरत करने से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए इंजेक्शन लगवा लो और मुझे इस बीमारी से बचा लो। ओ, बेचारे प्रिंसिपल। मैथ क्लास। बस बच्चों, शांत हो जाओ। बच्चों, मिलो हमारे नए कंप्यूटर साइंस टीचर से, मिस्टर मिचेल। हेलो बच्चों, कंप्यूटर की अनोखी दुनिया में स्वागत है। तुम जानते हो कंप्यूटर तुम्हारे आसपास है? कहाँ? यहाँ वीडियो गेम किसको पसंद है? वीडियो गेम। मैं जानता था। खैर, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद और कोशिश करने के बाद मैंने एक लाजवाब वीडियो गेम बनाया है। वाह! अपनी आँखों से देखो, खुद ही जांच करो। ये है पिंग पोंग। ये हॉकी। फुटबॉल। बोर हो रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो छोटी सी झलक थी। अब फिल्म देखो। तुम जरा लाइट बंद कर दोगे? जरूर। डेनी, लगता है कि किस्मत चमक गई है। मिस्टर मिशेल खुद ही हमें मौका देना चाहते हैं। डिस्क ले जाओ। भविष्य और तुम, आधुनिक यंत्रों को जब तुम देखते हो तो क्या सोचते हो? मुझे तुम पर नाज़ है दोस्त। और याद रखो, भविष्य तुम पर निर्भर करता है। लाइट्स। तो देखा बच्चों, इन सारी आधुनिक तकनीकों को प्रोग्राम करने की जरूरत है जो हम सीखेंगे हमारे वफादार कंप्यूटर दोस्त पैकेट जाम 2000 से। हाँ, पैकी, क्या हुआ? क्या बात है दोस्त? ये क्या लगता है? डिस्क ड्राइव में जरूर कुछ है। इस डिस्क ने मेरे कंप्यूटर में वायरस फैला दिया, मेरे कंप्यूटर खराब कर दिया। सिस्टम की जांच, एक और एक मिलाकर बताओ। जल्दी नंबरों को जोड़ो, तुम जोड़ सकते हो। एक और एक मिलाकर तीन। नहीं, हमारी चाल कामयाब हो गई डेनी। मेरी दोस्त। ऑपरेशन बीमारी शुरू करो जल्दी। हाँ, रोबो को तो पता भी नहीं चलेगा। किस्मत हमारा बहुत साथ दे रही है डेनी, हम खुश किस्मत है। रोबो जोन सो रहा है। ये मेरा तोहफा रोबो।
अजीब बात है, सोने के बाद तो और थक गया हूँ। जल्द ही रोबो का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा और फिर उसकी मदद करेंगे योगमैन बंधु। हाँ, फिर हम उसे प्रोग्राम करके अपना गुलाम बना लेंगे। इंग्लिश। बीमार हो? नहीं तो मैं रोबो, तुम्हें छींक आ रही है? नहीं, मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। शायद तुम्हें बुखार है। नामुमकिन। हो सकता है मिस्टर मिचेल के कंप्यूटर वायरस ने तुम्हें जकड़ लिया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा आमना सामना नहीं हुआ। चुपचाप शांति से कविता लिखो। दुनिया में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लहरों पर हुनो। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। ओ, तुम में से तो आग निकल रही है रोबो। हाँ, मुझे गर्मी लग रही है, शायद मुझे बुखार है। ओ, रोबो जोन्स। वाह, रोबो जोन्स एक बार फिर मेरे ऑफिस में। अब ये बताओ, तुमने मेरे स्कूल में आग क्यों लगाई? उसके लिए माफी चाहता हूँ सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे लगता है मुझे वायरस हो गया है। वायरल? पर तुमने तो कहा था तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। मुझे आपकी इंसानी बीमारियां नहीं हो सकती, पर इस वक्त मुझे कंप्यूटर वायरस ने जकड़ा है। ये फैलता है? दरअसल रोबो, मुझे बीमारी हो जाएगी। रोबो जोन्स वापस आओ। क्या कोई इलाज है? ओ नहीं, जो सोचा था उससे भी बुरा है। कंप्यूटर वायरस फैल रहा है, मुझे सबको सावधान करना होगा। सारे बच्चे ध्यान से सुने, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। रोबो जोन से दूर रहो, उसे कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, रोबो को कंप्यूटर वायरस है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मिस्टर मिचेल को बुलाते हैं, वही कुछ करेंगे। हाँ चलो। फिर से सुनो, रोबो जोन्स को कंप्यूटर वायरस है, उससे दूर रहो, अपनी जान बचाओ। मुझसे मत भागो, रुक जाओ। ओ प्यारी फ्लोरोसेंट बत्ती, मैं अब तुम्हारी दुख भरी दास्तान समझ रहा हूँ। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैं होने वाला हूँ, एक मशीन जिसका अपना कुछ भी नहीं है। तुम अपनी मर्जी से नहीं जलती, कोई ना कोई तुम्हें जलाता है, बंद कर देता है, फिर जलाता है, फिर बंद कर देता है। मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूँ। मैंने मेज सजा दी है, मैंने अपनी चेकबुक पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर लिखी है। शायद रोबो बनने के अपने कुछ फायदे हैं, बल्कि अगर मैं रोबो बनूं तो खुद को ताकतवर बना सकता हूं और सुपर रोबो प्रिंसिपल बन सकता हूं। प्यारी फ्लोरोसेंट बत्ती, तुम्हारी दास्तान गमगीन नहीं है, बहुत ही हसीन है, हसीन। मिस्टर मिचेल। ठीक है, एक और टेस्ट, एक और एक मिलाकर दो, तुम ठीक हो गए। मिस्टर मिचेल, खुशखबरी बच्चों, कंप्यूटर ठीक हो गया। वाह, अब आपको रोबो को ठीक करना है, उसे कंप्यूटर वायरस ने जकड़ा है। मदद की जाए रोबो जोन्स की। हाँ। मीनवाइल, प्लीज मत भागो, मेरी मदद करो। मेरा सिस्टम धीरे धीरे खराब हो रहा है, जल्दी मैं बंद पड़ जाऊंगा। हेलो दोस्त, हम कुछ मदद करें? ओ नहीं, तुमसे मदद नहीं लूंगा। बोलो तुमने मेरे साथ क्या चालाकी की है? तुम गलत समझ रहे हो, हमने सुना कि तुम बीमार हो, इसलिए दोस्त की तरह मदद करने चले आए हैं। कंप्यूटर वायरस ने जकड़ा है। क्या कह रहे हो, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जनी डिस्क लाओ और तुम रोबोट सामने की प्लेट उतारो। ठीक है, अभी लो। इतनी जल्दी भी क्या है?
हट जाओ और मुझे जांच करने दो। वाह, ये रही खराब डिस्क, योगमैन की डिस्क। तुम लोगों को मुझे इसकी वजह बतानी पड़ेगी। कमकल, तुम कभी योगमैन बंधुओं को नहीं रोक सकते। रोबो प्रिंसिपल ने बदमाशों को पकड़ लिया है। डेरी भागो। आउच, मेरे कान। अपना हॉल पास दिखाओ, अपना हॉल पास दिखाओ, अपना हॉल पास दिखाओ। प्रिंसिपल मैडमैन, आपने ये क्या पहन रखा है? जब से रोबो जोन्स ने मुझे कंप्यूटर वायरस दिया है, तब से मैंने एक सुपीरियर प्रिंसिपल बनने का फैसला किया है। पिपॉप, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। रोबो जोन्स इंसान को कंप्यूटर वायरस नहीं दे सकता। स्कूल कंप्यूटर और रोबो जोन्स को वायरस देने के पीछे योगमैन भाइयों का हाथ है। ओह, तब तो मुझे लगता है इन भाइयों की सजा माफ की जानी चाहिए, है ना? अब रोबो जोन्स को ठीक करते हैं। डेटा लॉग एंट्री, इंसान और रोबो पर बाहरी यंत्रों से हमला कर उन्हें खराब किया जा सकता है, पर जब तक आपके अच्छे दोस्त आपके साथ हों, आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कुछ इंसानी बीमारियाँ कभी ठीक नहीं हो सकती। आज के लिए इतना ही। Got to keep on cubing.